आज हम जानेंगे कि आप अपना पुराना मोबाइल फोन के फोटोज वीडियोस आप अपना नया मोबाइल फोन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। समझ लीजिए कि आज मैंने एक न्यू मोबाइल फोन खरीदा हो और देखिए अपना समझिए पुराना मोबाइल फोन है, इसमें काफ़ी सारा मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि कॉल लिस्ट है, फोटोज है, मैसेजेस है, सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन को मैं अपना नया मोबाइल फोन में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर में चला जाना है। सिंपल आप क्या कि गूगल प्ले स्टोर में चलाइएगा, सिंपल जैसे गूगल प्ले स्टोर में चलाओगे मैं सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि सर्च बटन पर आ जाओगे सिंपल आपको लिखना है ईजी शेयर, तो ईजी शेयर करके ये वाला एप्लीकेशन के ऊपर सिंपल डाउनलोड कर लेना। देखिए ईजी शेयर एप्लीकेशन, तो ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे कि एप्लीकेशन को ओपन करोगे, चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा, जैसे कि एप्लीकेशन को ओपन करोगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें देखिए आई एग्री पे क्लिक करूँगा, ईजी शेयर एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूँ सिंपल, अब देखिए फाइल ट्रांसफर, देखिए फ़ोन क्लोन ऐप है, फ़ोन क्लोन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सिंपल देख सकते लिखा है दिस इज अ न्यू, देखिए न्यू इंपॉर्टेंट डाटा। तो गाइस सिंपल देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें भी सेम ईजी शेयर पर क्लिक कर दूंगा, सेम एप्लीकेशन दोनों मोबाइल फोन में आपको ओपन कर लेना है। अभी सिंपल देखिए ये एग्री पे क्लिक करूंगा, उसके बाद सिंपल में क्या करना है, सिंपल लिखूंगा यहाँ पे, सिंपल लिखूंगा यहाँ पे दिस ए न्यू फोन। देखिए इसमें लिखा दिस ए न्यू फोन और देखिए ऊपर दिस ए ओल्ड फोन, देख सकते हो मैं यहाँ पे नया फोन में आ जाऊँगा, देख सकते हो नया मोबाइल फोन है। सिंपल फोन क्लोन ऐप पर क्लिक करूँगा दिस ए न्यू फोन, उसके बाद सिंपल देखिए इंपॉर्टेंट ऐप दिस ए न्यू फोन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सिंपल एंड्रॉइड पे क्लिक करूँगा, उसके सेट स्टार्ट पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरे पे सेटिंग पे अलाउ पे क्लिक करूँगा। ये अपना न्यू फोन है, चलिए सिंपल अलाउ पे सेटिंग पे क्लिक कर उससे बैक करूँगा। अब भी चलिए सिंपल देखिए पे दिस ए न्यू फोन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एंड्रॉइड पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। अब भी सिंपल मुझे करना है कि सिंपल ये एप्लीकेशन को अलाउ देना है, चलिए इसमें ऊपर के पे ईजी शेयर पे क्लिक करूँगा, सिंपल अलाउ पे क्लिक करूँगा। अभी सिंपल बैक पे चलाऊँगा, जैसे कि बैक पे चला आप देख सकते हो। अभी मुझे करना क्या सिंपल, फिर एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, सिंपल पे गॉट इट पे क्लिक कर देना है। अभी सिंपल ऊपर परमिशन को अलाउ करना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद सिंपल देखिए पे लिखा है दिस ए ओल्ड फोन, सिंपल मुझे ओल्ड फोन पे क्लिक करना है। जैसे मैं ओल्ड फोन पे क्लिक करूँगा उसमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, सिम इस प्रकार से ऐप पर भी परमिशन मुझे दे देना है। जैसे परमिशन दूंगा उसमें बैक करूँगा। अभी सिंपल देखिए दिस ए ओल्ड फोन पे क्लिक करूँगा, जैसे कि ओल्ड फोन सिंपल स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे कि स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया सिंपल सेम वही एप्लीकेशन के इस प्रकार से यहाँ पे भी परमिशन देना है कि ईजी शेयर पे क्लिक करूँगा, सिंपल पे अलाउ पे क्लिक करूँगा, ऊपर सिंपल बैक पे चलाऊँगा, तीसरे ओल्ड फोन पे क्लिक करूँगा, गॉट इट पे क्लिक करूँगा। अब इसमें अलाउ को अलाउ दे दूँगा यहाँ पे, जैसे कि अलाउ देगा सिंपल एक क्यू आर कोड आ जाएगा, देख सकते क्यू आर कोड जनरेट हो गया। चलिए अभी मैं क्या करूँगा सिंपल एक क्यू आर कोड को स्कैन कर लेने वाला हूँ, देख सकते हो यहाँ पे अभी क्यू आर कोड के स्कैन कर लो, देख सकते हो और अब देख सकते हो कनेक्ट हो गए। देखिए स्टार्ट नाउ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अपना पुराना मोबाइल फ़ोन है और ये नया मोबाइल फ़ोन है, देख सकते हो मैं कनेक्ट हो गया, देख सकते हो उस प्रकार से। अब भी सिंपल करना क्या, सिंपल आपको बैक कर देना है, जैसे कि बैक इसमें स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अभी फिर से दोबारा पे अलाउ देना है, चलिए इसमें फिर से दोबारा पे अलाउ कर दूंगा, चलिए अलाउ तो मैं कर दिया हूँ। गैस सिंपल अभी ओल्ड मोबाइल फोन देखिए पे क्लोन फोन पर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूँगा उसी पे इसको अलाउ कर दूंगा, देख सकते हो पे एक्सेस टू इमेज फाइल अलाउ कर दूंगा, सिमर पे बैक कर दूंगा। जैसे कि बैक कर दूंगा इसमें स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, फिर से दोबारा इसमें देखिए डाटा इसमें क्लिक किया हुआ है, देखिए ईजी शेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी अलाउ कर दूंगा, देख सकते हो यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू इमेज फाइल, यहाँ पे अलाउ कर देना है मुझे सिंपल, देख सकते हो आप गौर से देखिए अच्छे से देखिए। अब भी करना है सिंपल पे फिर से बैक करना है, अभी गॉट इट पे क्लिक करूँगा, अब देख सकते हो फिर अलाउ पे क्लिक करूँगा, 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 अब देख सकते हैं यहाँ पे फुल अब डिटेल में देख सकते हो। चलिए इनको गौर से दिखा दो, थोड़ा पास से शेयर हो रहा है नहीं, चलिए इसे मेरे देख सकते हो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये अपना ओल्ड फ़ोन है और ये न्यू फ़ोन है, देख सकते हो कनेक्ट हो गया। अब देख सकते हो पे 298 कॉन्टैक्ट से, ऐप से 104 ऐप से, सी में देख सकते हो कॉल है 300, उसके बाद इसमें मैसेज देख सकते हो 3520 SMS है, चलिए इसमें ईमेल से देख सकते हो 543 SMS है। चलिए इस ईमेल में जो भी चीज़ को लेना चाहते हो सिंपल टिक करूँगा। देखिए मेन बात ये कि देखिए मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है, चलिए मैं आपको दिखा दूँ सिंपल पे, मुझे अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है
तो इससे मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अनटिक कर दूंगा। वीडियोस लेना है तो वीडियोस के ऊपर टिक मारूंगा, म्यूजिक लेना है तो म्यूजिक के ऊपर टिक, इमेज लेना है इमेज के ऊपर टिक। टिक लगाने के बाद फिर एसएमएस को लेना चाहते हो तो एसएमएस पे टिक लगा दीजिए, इसे अनटिक कर दीजिए। कॉल लेना चाहते हो कॉल को टिक लगा दीजिए। ऐप्स लेना चाहते हो तो ऐप से टिक लगा दीजिए। अभी सिंबल स्टार्ट क्लाइंट पे क्लिक करना है। अभी सिंबल आपका मोबाइल पर जो भी पासवर्ड सिंबल पे पासवर्ड को दे देना है, ऊपर राइट बटन पे क्लिक करना है, फिर से पासवर्ड को दे देना है, राइट बटन पे क्लिक करना है। अभी देख सकते हो ये वाला मोबाइल फोन देख सकते हो स्टार्ट का ऑप्शन आ गया, देख सकते हो स्टार्ट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो। अभी करना क्या सिंबल पे अलाउ कर देना, देख सकते हो पे ऑल फाइल एक्सेप्ट सिंबल अभी करना मुझे यहाँ पे, यहाँ पे करना है आपको सिंबल देखिए ईजी शेयर का ऑप्शन है सिंबल पे, सिंबल एक्सेस देखिए अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है, फाइल को आपको अलाउ कर देना है, सिंबल बैक पे क्लिक कर देना है। जैसे कि बैक पे करोगे सिंबल फिर से दोबारा बैक पे आ जाना है, सॉरी गॉट इट पे क्लिक करूँगा, अलाउ पे क्लिक कर दूंगा, फिर से अलाउ अलाउ कर दूंगा। आप देख सकते हो ऊपर, अभी यहाँ पे भी देख सकते हो 00 देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आना स्टार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये वाला मोबाइल फोन अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, गौर से दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से पता चले। आप देख सकते हो पे फोन चालू है, आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट देखिए 298 कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो पे आ चुका, देख सकते हो अभी फिर से दोबारा कॉलिंग भी है लिस्ट आ रहा है, अभी देख सकते हो उस पर कैसे सब पे आना स्टार्ट है, देख सकते हो पे इमेजेस भी आना स्टार्ट है, म्यूजिक भी आना वेटिंग है, वीडियोस भी वेटिंग है। इस प्रकार से आप अपना पुराना मोबाइल फोन का जो भी डाटा है आप अपना नया मोबाइल फोन में ले सकते हो। गाइस सीख गया होगा किस प्रकार से आप अपना पुराना मोबाइल फोन का डाटा आप नया मोबाइल फोन में ले सकते हो। गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।